अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि ठीक होंगे, ठीक रहिए। और दो में याद रखिएगा आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट के काइंडली, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों मैं वैसे तो ड्यूटी पे निकलने लगा हूँ, मगर ड्यूटी अभी स्टार्ट नहीं होनी, तो मैं भी वैसे सोच रहा था कि मेरे व्यूज़ वगैरह बढ़ नहीं रहे और वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। मैं खुद मुतमिन नहीं हो रहा था जिस तरह की वीडियोज़ बन रही थी, मतलब कि एक ही चीज़ एक ही जगह हर वीडियो में था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा विजिट करवाया जाए आप लोगों को, थोड़ी बिल्डिंग वगैरह का। अबू धाबी तो वैसे कैपिटल है यूएई का, यहाँ पे तो बिल्डिंग्स वगैरह ही हैं, टूरिस्ट इतने नहीं आते, बिल्डिंग्स वगैरह ही हैं दिखाने को और कुछ एक दो जगह और है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जगह वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह ये कोशिश किया करूंगा कि दिखाऊं, रोड सब चीजें मतलब आपको विजिट करवाई जाए। तो अभी मैं वैसे निकलने लगा हूँ, तो पहले मैं आज आप लोगों को कौन सी बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ रस्ते में। तो फिलहाल चलते हैं, एक बिल्डिंग है वो दिखानी है आपको, उसके बाद में मैंने ड्यूटी पे जाना है। तो ये इस्लाम रोड है, सबसे जो बिजी रोड मैं समझता हूँ वो ये वाला रोड है अबू धाबी में, इस्लाम रोड। तो मैंने वैसे अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी की है और ये बीच के किनारे के ये साथ साथ में ये मतलब के वॉकिंग के लिए बनाया हुआ है और साथ में बैठते हैं इधर, काफी इंजॉय करते हैं लोग। वैसे तो ये साइकिलिंग के लिए और वॉक वगैरह के लिए, दौड़ छोड़ लगाने के लिए ये सारा बनाया हुआ है। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। इस टाइम वैसे शाम हो गई है, तो अभी लोग जो है ना, जैसे कि ये बंदा साइकिलिंग करने के लिए आ गया हुआ है, इसी तरह ही लोग जो है ना वॉक करने के लिए सारे ही मतलब के आएंगे। कि मैं जो आपको बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ, ये वैसे सूरज पड़ रहा है तो उस वजह से सही से मतलब के इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे ये वाली बिल्डिंग है अल बहार बिल्डिंग है, ये दो टावर है, तो अल बहार टावर इनको कहते हैं, वैसे इनको पाइन एपल बिल्डिंग भी कहते हैं। तो आज आप लोगों को वहाँ का विजिट करवाऊंगा, इसके अंदर तो नहीं जा सकते मगर वहाँ पे जाएंगे तो ये सूरज पड़ रहा है उसकी वजह से इतने ज्यादा मतलब के। ये इसके सामने देखें, ये समंदर है इस बिल्डिंग के सामने, ये समंदर है सारा। और समंदर के दूसरी साइड पे ये देखें कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है जो कि जंगल टाइप बना हुआ है, तो बड़ी ही कमाल की जगह है ये वाली। और ये साथ में जो है ना रीम आइलैंड है ये वाला, तो ये बड़ा कमाल का एरिया ये वाला, ये भी आप लोगों को किसी दिन विजिट करवाएंगे। वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हैं एक दो, मगर आपको कम्प्लीटली विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन इस एरिया का। वैसे अभी आज इन बिल्डिंग के पास जाएंगे हम। तो इस टावर के बिल्कुल सामने ये डॉल्फिन पार्क है, तो ये काफ़ी बड़ी पार्क है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्क। तो यहाँ पे से देखें आप इस बिल्डिंग को, कि यहाँ से ये कुछ इस तरह से, इसके साइड पे जो कवर है ना उनकी कोई हिस्ट्री है, मतलब के घूम जाते हैं कुछ ऐसा कुछ होता है उसका, मुझे पता नहीं। वैसे सुना है कि ये जो कवर है ना साइड पर ये घूमते रहते हैं, मतलब जिस साइड को सूरज हो या पता नहीं, इस तरह का कुछ सीन है। तो वैसे ये डॉल्फिन पार्क है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। वैसे अल बहार टावर के ये साथ में देखें कि आप ब्रिज गुजरता है, ये वाला ब्रिज है जो कि ये सिटी में चला जाता है आगे और रीम आइलैंड को चला जाता है, फार्मेश पे चला जाता है ये सारा जो। यहाँ पे वैसे वीडियोस के मामले में डर ही लगा रहता है कि पता नहीं इस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए थी इसकी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वीडियो ना बनानी हो और मैं बना लूँ तो कोई एक्शन ना आ जाए। तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए डर लगा रहता है, इसलिए कोशिश होती है कि बहुत सारी चीज़ों की वीडियोज ना बनाई जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे इन मामलात में बहुत ज़्यादा सख्त कानून है, बहुत ज़्यादा सख्त कानून है यहाँ पे, इसलिए डर लगा रहता है। और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा उन जगहों की या उस एरिया की वीडियोस ना ही बनाई जाए जिसमें मतलब कि थोड़ा बहुत ख़तरा हो, जिसमें कोई डाउट हो, ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाऊँ कुछ ऐसा। तो अल्लाह ताला ने रिज़क लगाया हुआ है, तो चलो अल्लाह ताला जितनी देर तक रिज़क लगाया मेरा रिस्क लिखा इधर, उतनी देर तो मैं सुकून से करूँ। बाकी अभी वैसे ये पाइनएप्पल बिल्डिंग है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये वाली बिल्डिंग अल बहार टावर यानी कि पाइनएप्पल बिल्डिंग 29 मंजिला बिल्डिंग है ये वाली, और इसके अलावा 145 मीटर इसकी हाइट है जमीन से। तो ये वाला टावर जो है ना वो अबू धाबी के ये इस्लाम रोड के मतलब के ऊपर ही समझ लें, साथ में ही है इस्लाम रोड के, तो ये यहाँ पे है। तो काफ़ी 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 ज़्यादा मशहूर बिल्डिंग है ये वाली जो है ना, आप लोगों ने टिकटॉक पे या वैसे
काफी ज्यादा देखी होगी इस बिल्डिंग को। तो इसके एक टावर में अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट का हेडक्वार्टर है जो कि नया ही यहाँ पे आया, जो कि मतलब की अबू धाबी की हुकूमत का जो है ना सरमायाकारी का ये एक हेडक्वार्टर है एक टावर पे, और दूसरा टावर जो है ना वो हलाल बैंक का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो ये दोनों टावर जो है ना काफी मशहूर और काफी मतलब के पहचान रखते हैं अपनी अबू धाबी में। मैं वैसे अभी ड्यूटी पे आ गया हूँ, तो टावर के नीचे जाके मैं वीडियो बनाना चाहता था, फोटो भी बनाना चाहता था थंबनेल के लिए, मगर वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि शुरते की गाड़ी यानी पुलिस की गाड़ी जो है ना वो खड़ी थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा अगर ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो कोई ना कोई इश्यू तो होगा, यहाँ पे वीडियो शायद अलो ना हो या कुछ ऐसा, तो फिर इसलिए मैंने वैसे वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई टावर के नीचे जाके। वैसे अभी ड्यूटी पे आ गया हूँ, यहाँ पे दोस्त जो है वो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, जिनसे पूछते हैं वैसे ऑर्डर की क्या सूरत हाल हो थोड़ी देर हम भी यहाँ पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? फाइनली बिल आ गया। बिल्ला इधर बैठो। रहील भाई जिम कर रहे हैं, इसका जिस्म चेक करो। हाँ जिम कर रहे हैं। तो फाइनली मुझे एक ऑर्डर आ गया अभी, जो कि काफी दूर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऑर्डर यहाँ से आया और देने यहाँ पे जाना है, तो काफ़ी 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 ज़्यादा दूर है। एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे, तो अभी तो ना की गुंजाइश भी कोई नहीं है, तो निकलते हैं रेस्टोरेंट के लिए। यहाँ से रेस्टोरेंट है तकरीबन यहाँ से होगा, मोबाइल ये थोड़ा सा स्लो है, 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से रेस्टोरेंट। आज वैसे हवा भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है ऊपर से, आज ट्रैफिक भी नहीं है रोड पर, क्योंकि आज जुमे और जुमे वाले दिन सबको आज छुट्टी होती है, तो रोड पर ज़रा ट्रैफिक कम है। तो वैसे निकलते हैं अभी रेस्टोरेंट के लिए। ऑर्डर तो वैसे उठा लिया और यहाँ से कस्टमर है तकरीबन 9.6 किलोमीटर दूर जहाँ पे ऑर्डर देने जाना है।